अरे भाईजान, मैं कल आपसे ये बकरा लेकर गया था और मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। मेरी मजबूरी है, मैं आपको बकरा वापस करके अपना बिजली का बिल की अदायगी करूंगा। मेहरबानी करके ये बकरा वापस ले लें। अरे भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता। कल आप हमारे से बकरा लेकर गए और आज हमें वापस करने आ गए हो, भला इस तरह हुआ है कभी? अरे मेरी बात सुनो, इसे कल 1,60,000 रुपए का बेचा था। ऐसा करते हैं, इसे अब 60,000 रुपया ही सिर्फ दे देते हैं। इसे मजबूरी भी है। अरे भाई, मैं इसका तुम्हें सिर्फ 60,000 रुपया दूंगा। अरे भाईजान, मैं कल तो आपसे 1,60,000 का लेकर गया था और एक दिन में 1,00,000 रेट कैसे गिर सकता है? अरे भाई, तुमने एक दिन के अंदर इसे कमजोर तो देखो कितना कर दिया। अब ये सिर्फ 60,000 रुपये में ही रखेंगे हम, इसके अलावा नहीं कर सकते हम कुछ भी। यार ये क्या कह रहा है, इसमें तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या करूँ यार, मजबूरी है, अगर बिल ना जमा करवाए तो मीटर काट कर ले जाएंगे। चलो ठीक है भाईजान, आप मुझे 60,000 का दे दो। ये ले भाईजान 60,000 रुपया। ऐसे उठाते हैं मजबूरी में फायदा, जितने का हमने उसे बेचा था उतने का हमारा ये दोबारा बिक जाएगा। ऐसा करो, इसे वहां पे जाके बांध दो, जल्दी जाओ। बड़े भाई, इस दफा मंडी से बहुत अच्छा बकरा लेके आना है। जी जी बिल्कुल आओ। अरे भाई, कुर्बानी के लिए कोई अच्छा सा बकरा दिखाओ हमें। जी जी भाई जान, क्यों नहीं, वो सामने बकरे खड़े हैं उनमें से देख। भाई वो जो सामने बकरा नहीं है वो पसंद है। अरे भाई वो वाला बकरा, वो बकरे का पहले बहुत ज्यादा रेट लग चुका है, वो आपको 2,00,000 रुपए में मिलेगा। अरे भाई पैसों की टेंशन नहीं है, आप डील डन करें एक दफा। अरे भाई, बड़े बकरे का 2,00,000 रुपया मांग रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहा है, बेच दे। हाँ हाँ बेच दो, बेच दो। ठीक है भाईजान, 2,00,000 रुपया दो। भाई हमारे पास ये सोने के कंगन है, ये बेच कर हम आपको पैसे दे देते हैं। अरे छोटे भाई, कंगन तो काफी महंगे लगे हैं। ऐसा करते हैं, इनसे कंगन ले लेते हैं और इनको बकरा दे देते हैं। अरे मुझे भी काफी महंगे लग रहे हैं, इनसे ये ले लेते हैं। अच्छा भाई ऐसा करो, आपने इसे बाजार में बेचने जाना है, ये कंगन हमें दे दो, आप बकरा हमसे ले लो, हम ये खुद ही बेच लेंगे। हाँ ठीक है भाईजान, आप ये रख ले और बकरा हमें दे दे। ठीक है भाईजान, फिर आप बकरा ले जाए। अरे भाई बात सुनना, भाई वो हमें चूना लगा गया है, ये देखो अंदर से सिल्वर की है, ऊपर सोने का रंग चढ़ाया हुआ है उन्होंने, ये देखो यार, ये तो हमें चूना लगा गया है, हमारा 2,00,000 वाला बकरा भी ले गए हैं। ये सारी बात अब मुझे समझ आई है, जो हमने उस लड़के के साथ 1,00,000 का अपराध किया ना, अल्लाह पाक ने हमारे जिम्मे 2,00,000 का नुकसान डाला है। यार हमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, अगर हम किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो हमारे साथ भी नाइंसाफी होगी। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर।